धर्मशाला में इंग्लैंड को दहाड़ने के लिए तैयार है टीम इंडिया। टीम में हो चुकी है भूकेश शेर की एंट्री। तो नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट के महाकुंभ यानी कि भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला धर्मशाला के मैदान में होने जा रहा है। दोस्तों सीरीज में 3-1 से आगे चल रही भारतीय टीम ने एक नए खिलाड़ी को दे दी है एंट्री, जिसने की सबके चौंका के रख दिया है। तो आखिरकार दोस्तों कौन है ये भूकेश शेर जो इंग्लैंड को धूल चटाने के लिए तैयार है, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। आखिरकार कौन है ये नया खिलाड़ी और टीम इंडिया के जीत में क्या भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों स्वागत है आप सबको आपके पसंद यूट्यूब चैनल क्रिकेट न्यूज अड्डा के और एक नया और ताजा तरीन वीडियो में। दोस्तों भारतीय टीम में जो नए खिलाड़ी की एंट्री होने जा रही है, जिसने कि सबको चौंका के रख दिया है दोस्तों, और वो कोई नहीं, वो है दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के लिए लंबे लंबे छक्के लगाने वाले देवदत्त पडिगल। जी हाँ, उन्हें भूकेश शेर इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों वो रन बनाने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं। उन्होंने दोस्तों डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काफी सारे रन बनाए हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दोस्तों उनके नाम 6 शतक और 12 अर्धशतक शामिल है। यहाँ पर दोस्तों हम इस साल खेले गए रणजी मैच की बात करें तो दोस्तों देवदत्त पडिगल के लिए इस साल खेला गया रणजी ट्रॉफी भी काफी शानदार रहा और शायद दोस्तों ये प्रमुख कारण हो सकता है टीम में जगह बनाने की। अभी दोस्तों टीम में जो रजत पाटीदार हैं वो दोस्तों काफी खराब परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, तो उनके जगह दोस्तों देवदत्त पडिगल को डेब्यू करने का मौका मिलेगा। दोस्तों इस साल तमिलनाडु के खिलाफ खेले गए एक मैच में देवदत्त पडिगल की शानदार पारी हमें देखने को मिली, जहां पर उन्होंने 218 गेंदों में महज 151 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि दोस्तों ये मैच ड्रॉ रहा, लेकिन दोस्तों देवदत्त पडिगल की पारी काफी इम्पैक्टफुल थी। दोस्तों अभी इंग्लैंड टीम देवदत्त पडिगल की एंट्री को सुनकर अभी वो भी घबराने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों देवदत्त पडिगल की एंट्री से अभी भारतीय बल्लेबाजी और भी काफी मजबूत हो गई है। दोस्तों आपके राय में क्या है, आप क्या सोचते हैं, देवदत्त पडिगल को टीम में एंट्री करा के क्या रोहित शर्मा ने सही किया या फिर नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों क्रिकेट के पल पल खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं।